राजस्थान में किसानों का विरोध प्रदर्शन चल रहा था कृषि विधेयक के खिलाफ में। वहां पर एसडीएम और सीओ इलाके के पहुंचते हैं, उनको के समझा बुझा करके उनको घर वापस भेजा जाए, मगर किसान इस कानून को लेकर के परेशान है, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और ऐसे में किसानों के साथ जो तस्वीरें सामने आई है, एसडीएम और सीओ भी वहां पर बैठ जाते हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीर देखिए, ये दरअसल है सीओ और एसडीएम। ये सीओ और एसडीएम पहुंचे थे, जो किसान वहां पर मौजूद थे, जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त आरनाइन टीवी पर देख रहे हैं। सीओ और एसडीएम जब पहुंचे, किसानों से बातचीत करते हैं। कुछ पार्टी के कार्यकर्ता दूसरी पार्टियों के विपक्षी दलों के हैं, उनसे को समझाने बुझाने की कोशिश करते हैं, मगर किसानों की अपनी मांगे इन कानून को लेकर के जो कृषि से संबंधित है उसके खिलाफ में ये विरोध प्रदर्शन है। जब वो लोग नहीं हटते हैं तो फिर ये दोनों अधिकारी भी वहां पर उनके साथ में बैठ जाते हैं। हमारे सहयोगी सुशील नायक हमारे साथ फुलाइन के जरिए इस वक्त जुड़े हुए हैं। सुशील, किसानों का विरोध प्रदर्शन देश के स्तर पर चल रहा है, अलग अलग जगहों पर, समझाने बुझाने के लिए ये लोग क्यों पहुंचे वहां पर? जब वो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या रोड को बाधित किया गया, क्या किसी तरीके से कोई ऐसा उत्पात मचाया गया? और अगर पहुंचे तो तस्वीरें जैसा कि दिख रही है कि ये लोग भी जमीन पर बैठे हुए हैं, क्या इनकी बातें ना माने जाने की वजह से अब ये लोग धरना कर रहे हैं? सुशील, आवाज आ रही है आपको? जी जी जब्बर, मैं बता दूं कि पूरे देश में और प्रदेश में किसानों का जो बिल पास गया है उनका विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी क्रम में जालौन में भी भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में कई राजनीतिक पार्टियों के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन किया गया था इन बिल के विरोध में, जिसमें किसान यूनियन के नेता और कांग्रेस भी शामिल हुई थी, कई राजनीतिक पार्टियां भी शामिल हुई थी। तो इन्होंने जो NH 27 है, जो आता थाना क्षेत्र के अंतर्गत NH 27 है, वहाँ पर इन्होंने रोड जाम कर दिया था पूरी तरह से, और जो यातायात था तो पूरी तरह से किसान यूनियन के नेताओं ने बाधित कर दिया था, और सैकड़ों की संख्या में जो किसान थे वो धरना प्रदर्शन पर NH 27 पर ही बैठ गए थे, जिसको किसानों को समझाने के लिए वहाँ CO और SDM कालपी मौके पर पहुंचे थे, और उन्होंने किसानों को समझाने के लिए लाख प्रयास किए थे, लेकिन किसान जो थे वो अपनी जिद पर अड़े हुए थे। और ऐसे में ये दोनों अधिकारी भी वहाँ पर जमीन पर बैठ जाते हैं उनके साथ में, तो एक तरीके से ये भी धरना प्रदर्शन देना शुरू कर देते हैं कि साहब उठिए, क्योंकि लोगों को मुश्किलें पेश आ रही, रास्ता बंद पड़ा हुआ। बहुत शुक्रिया सुशील इन तमाम जानकारी के लिए।